दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो ऐप हमारे फोन से अनइंस्टॉल नहीं होता है, यानी कि डिलीट नहीं होता है, उस एप्लीकेशन को हम कैसे डिलीट करें। जी हाँ फ्रेंड, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम अपने फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं, और जैसे ही कोई एप्लीकेशन ऐसा भी होता है, उस एप्लीकेशन को जब हम इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो देख सकते हैं कि यह जो एप्लीकेशन है हमारा डिलीट नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हम इसको अनइंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह एप्लीकेशन हमारा डिलीट नहीं हो रहा है, और हम परेशान रहते हैं कि यार यह एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में तो आ गया, लेकिन हम इसे डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को आखिर हम कैसे डिलीट करेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हमारे डेटा को चुराते हैं और हमारे फ़ोन में इंस्टॉल तो हो जाते हैं, लेकिन अनइंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। तो हम कैसे इस एप्लीकेशन को डिलीट करेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही छोटा और बहुत ही सरल तरीका बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है या कभी ऐसा प्रॉब्लम आएगी, तो आप इस वीडियो को एक बार देख कर यह तरीका सीख लीजिए, ताकि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप इस एप्लीकेशन को डिलीट कर सके। तो दोस्तों, जैसे समय न वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बताते हैं कि किस तरीके से एप्लीकेशन को डिलीट किया जाता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो इस वीडियो को यहां से लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के बगल में घंटी का बटन है, इस घंटी के बटन पर दबाकर ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस एप्लीकेशन को एक बार डिलीट करके फिर से दिखा देता हूं। तो देख सकते हैं कि मैं जब डिलीट कर रहा हूं, तो यह जो एप्लीकेशन है नहीं डिलीट हो रहा है। तो कैसे डिलीट होगा, तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है। जी हां फ्रेंड, अपनी फोन की सेटिंग में जाना है, और जाने के बाद में आपको सबसे पहले सर्च में जाना है, कहीं भी किसी सेटिंग को नहीं ढूंढना है, सर्च में जाना है, और जाने के बाद में यहां पर आपको टैप करना है। ध्यान से वीडियो को देखिए, डिवाइस। जी हां फ्रेंड, आपको यहां पर लिखना है डिवाइस, और फिर लिखना है एडमिन। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर डिवाइस एडमिन लिखना है। जैसे ही डिवाइस एडमिन लिखेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपके फ़ोन में भी आएगा, लेकिन कुछ अलग तरीका से आ सकता है। तो यहाँ पे जो डिवाइस एडमिनिस्टर का ऑप्शन है, इसके ऊपर में आपको टैप कर देना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक कोड दिखाई देता होगा, देख सकते हैं यहाँ पे कोड है, इस कोड को आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है EYOA, सारे बड़े अक्षर में आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ EY, फिर उसके बाद O, फिर A, उसके बाद में यूज के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड यूज पे क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं कि वह जो एप्लीकेशन हमारा डिलीट नहीं हो रहा था, वह एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। यदि आपके फ़ोन में भी डिलीट नहीं हो रहा है, तो वह एप्लीकेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिवेट है। जी हाँ दोस्तों, यही एप्लीकेशन था ना जो यहाँ पर दिख रहा है एक्टिवेट, तो इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे डीएक्टिवेट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। इतना सा काम आपको कर देना है, और आपको डायरेक्ट फ़ोन को कट करना है, और आपको फिर से उस एप्लीकेशन पे जाना है। अब इस एप्लीकेशन को आप डिलीट करेंगे, तो दोस्तों यह एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं कि यह एप्लीकेशन यहाँ से डिलीट हो गया। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन कोई फ़ोन में इंस्टॉल हो गया है और वह डिलीट नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको इस तरीके की और भी जानकारी सीखनी है, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका शुभ हो।